नंबर गेम में फंसी कर्नाटक की कुर्सी। कर्नाटक में सत्ता के लिए गठजोड़ का खेल शुरू। तीनों पार्टियों ने किया बहुमत के लिए दावा। एक दूसरे पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगा आरोप। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 12 विधायक हुए नदारद। जेडीएस की बैठक में भी 2 विधायक हुए गायब। जेडीएस ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा पर विधायक तोड़ने के लिए करोड़ों के ऑफर का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ दिव्य सहगल। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजों की। जी हां, नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस फिर से एक बार पीछे रही। कांग्रेस के लिए हार नई हार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस लगातार हारती रही है। पंजाब की बात अगर छोड़ दें तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। और वर्तमान में अगर देश भर के राज्यों में देखते हैं तो मात्र 3 प्रदेशों में कांग्रेस बची हुई है और बाकी अधिकतर जगह 21वें प्रदेश पे अब भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे, यही हम आज इस डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक पा रही है, बड़ा सवाल है। आज के पैनलिस्ट हमारे बाल खांडे कांग्रेस नेता नीरू सिंह ज्ञानी, भाजपा नेत्री और स्टेट मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी सुनील गोपाल, जिला सचिव SUCI। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा और सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता बाल खांडे साहब आपकी लूंगा। आखिर क्या हो रहा है, तीसरा चुनाव राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद और तीसरे चुनाव में भी हार, क्यों? देखिए, ये कर्नाटक की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। कुछ कारण रहे हैं जो हमने अपनी तरीके से आकलन किया है कांग्रेस का। कांग्रेस में पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं सीतारमैया जी, उनके ऊपर पूरा चुनाव छोड़ दिया गया था। एक तो कांग्रेस की मेरे ख्याल से भूल रही है। दूसरा कारण, आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नेपाल की जो उन्होंने यात्रा करी, जिस दिन वो वोटिंग था, एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव पर उसका असर पड़ा है आखिरी क्षणों में। तीसरा कारण जो मैं देखना चाहता हूं और वो है कि JDS और एक मुस्लिम पार्टी, उसने आखिरी में कांग्रेस के जो मुस्लिम मतदाता थे और दलित वर्ग, ये हमसे आखिरी क्षणों में दूर हुआ, उसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन कैसे आप राहुल गांधी की विफल रणनीति नहीं मानते हैं, कैसे इसका जो हार का ठीकरा है राहुल गांधी के सिर नहीं फोड़ना चाहिए कांग्रेस को, यानी अगर जीते तो राहुल गांधी, हारे तो आप सभी कांग्रेस? ऐसा नहीं है, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसमें चुनाव हारना और जीतना एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पर लगातार अगर आप हारते हैं तो आपके दल को समीक्षा करने की जरूरत होती है और आप समीक्षा नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गुजरात के अंदर जिस तरीके से कमबैक किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो स्टेट किसका है? ठीक है, बीजेपी का है, पर 6 बार अध्यक्ष हैं उनका है, वहां हमने कमबैक किया है, कुछ गलतियां हुई है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। हारने को भी आप कमबैक मानेंगे? नहीं, हारने को कमबैक क्यों मानेंगे, आज सरकार थोड़ी बीजेपी की वहां बन रही है। अभी हाल ही में जो स्थिति दिख रही है तो उसमें स्पष्ट बहुमत उस बीजेपी को भी नहीं है वहां पर। ठीक बात, अगर ये कहने की हमारी स्पष्ट का जो उनका टारगेट है, स्पष्ट बहुमत के बेहद करीब है, बेहद करीब है, 108-110 के बीच में। JDS और कांग्रेस मिल जाएगा तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने सहगल जी के सरकार फिर कांग्रेस की ही बनेगी। पर जिस हिसाब से चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व जिस तरह से आश्वस्त थे, वो कहीं ना कहीं से बहुत कमी ना। हाँ, मैंने कहा ना आपसे, ये तो मैंने कहा कि आखिरी 3 या 4 दिन के अंदर जो टर्न अप हुआ है वो सभी, अगर आपने चैनल्स देखे हो, नेशनल चैनल्स, तो उन्होंने खुद ने उसमें आकलन किया है कि आखिरी क्षणों में कांग्रेस को थोड़ा सा नीचे आना पड़ा और बीजेपी आखिरी क्षणों में उस स्थान पर पहुंचने से थोड़ा सा वंचित रह गई। तो मैं समझता हूँ कि मैं अब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। तो कुल मिला के ये तो माना जाए बाल साहब कि
जो मोदी विजय रथ है, इस विजय रथ को आप रोकने में नाकामयाब रहे? नहीं, अब देखिए विजय रथ आप कह ले, मैं नहीं मानता। नहीं, अगर जीत रही है तो विजय रथ माना जाएगा। जीत रही है सरकार बने तो माने ना जीत रही है, पहले ये तो हो जाए। नंबर्स में ज्यादा है आपसे? नंबर में नेचुरल है, तो मैंने आपको 3-4 कारण बता दी जिसकी वजह से हमको थोड़ी तकलीफ हुई। 20-25 सीटों पे तो अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है। ऐसे 75 से 78 सीटें कांग्रेस ने वहाँ की। अगर सरकार एक सीट भी ज्यादा है तो सरकार बना सकते हैं? मैं तो उसके लिए साधुवाद देता हूँ। हमारी जो बहन जी बैठी हैं वो सबसे बड़े दल के रूप में आई हैं, बिल्कुल उनको बधाई देता हूँ। चलिए उनकी तरफ चलते हैं। सरकार किसकी बनती है ये देखने वाली बात। नीरू सिंह जानी मैम जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, जैसे हमारे विपक्ष के नेता अभी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि लास्ट के 2-3 फैक्टर्स की वजह से जो है बीजेपी की बढ़त हुई। 5 साल आपका राज्य रहा, कांग्रेस की सरकार रही कर्नाटका में, वो तब कुछ कर नहीं पाए। और इन्होंने ये 3 दिन का ठीकरा फोड़ दिया कि हाँ 3 दिन, क्योंकि नेपाल गए प्रधानमंत्री इसलिए जीते। ना कोई विकास का मुद्दा, राहुल गांधी ने क्या किया, कांग्रेस की पार्टी ने क्या किया 5 साल राज्य में। लोगों ने बहुमत से इनको लेकर आए, इनको समय दिया, लेकिन इन्होंने 5 साल को नहीं देखिए। अगर कुछ नहीं किया होता तो 73-74 नंबर उनके नहीं आते। मैं आपको बता रही हूँ, पिछली बार जब हमारा भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 40 सीटें आई थी और अब बहुमत से 108-107 के बीच में चल रही है, तो ये क्या है? क्योंकि लोगों का विश्वास है, क्योंकि वो विकास चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए कार्य करते हुए वो ये नहीं सोचती कि ये इस समाज का है तो इसके लिए बिजली नहीं देनी। ये कांग्रेस साहब का कहने का मतलब ये मानू, कांग्रेस ऐसा सोचती है, करती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करती है। उन्होंने जो है हिंदू लोगों को विभाजन करने की कोशिश की, फिर मंदिर का मुद्दा बना लिया, फिर मंदिर के जाने शुरू हो गए। और इससे कोई मंदिर का मुद्दा तो आपके पाले में है, राम मंदिर का मुद्दा। मैं आपको बताऊंगी कि जहां उनको लगा कि हाँ हम अब सब मंदिरों में जाना शुरू कर दिया राहुल गांधी जी, क्या ये विकास इससे हो पाएगा? विकास तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। और जनता क्या चाहती है? बिजली, विकास और साथ में अपने जनधन योजना के तहत जनता स्वास्थ्य, उसके बाद मोदी जी का जो है रोजगार, ये सारी चीजें चाहती है। इसीलिए तो बहुमत की सरकार पूरे देश में है। 3 राज्य से पीपीपी पार्टी बन के रह गई है, पौंडीचेरी, पंजाब और परिवारवाद, बस इसी पर सीमित रह गई है कांग्रेस की सरकार। मिजोरम भी है? मिजोरम तो है ही है, लेकिन अभी तो पीपीपी के मुद्दे से। और मिजोरम पीपीवी में लगता है मोदी जी भी मिजोरम को भूल गए, उसमें एम भी जोड़ना चाहिए था उनको। चलिए सुनील गोपाल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, नीरू सिंह ज्ञानी जी का कहना है ये। कांग्रेस को भी आपने सुना और भारतीय जनता पार्टी को भी आपने सुना, पर लगातार जिस तरह से अब ये 21वां प्रदेश हो गया है देश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग ये माना जा सकता है कि बनने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा बात हास्यास्पद लगती है अगर भारतीय जनता पार्टी ये किसी और पार्टी के ऊपर दोष मढ़े कि वो विभाजन की राजनीति कर रही है। जो पार्टी विभाजन करते हुए ही सत्ता में आई, पहली बात उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए, मुझे लगता है थोड़ी हास्यास्पद है। दूसरी बात, मेरा इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भी ये करती रही है, लेकिन भाजपा को कम से कम कहने का हक है, पहली बात। दूसरी बात ये, मतलब दोनों ही दलों के घर जो है वो शीशे के, बिल्कुल शीशे के हाथ में भी ना उठाए दोनों दल, बिल्कुल। तो दूसरी बात जो है, विकास की बात अगर भाजपा करे तो मैं ये कहना चाहूंगा, विकास इस देश में आज केवल पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का हो रहा है, और वो भी सबसे ऊपर के पूंजीपतियों का। ये आप जो 21 राज्यों में भाजपा को बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को जो कुचलते हुए भाजपा आगे बढ़ रही है, ये क्षेत्रीय पूंजी के ऊपर राष्ट्रीय पूंजी की धमक है। गरीबों का विकास नहीं हुआ, और मैं सुन रहा हूं आपको भी सुन रहा हूं, गरीबों का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए लाभ, लाभ कहने का लाभ कब होता है? देखिए जब आप सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ाए बिना सिलेंडर दे सबको, सिलेंडर की सब्सिडी आपने खत्म कर दी, सिलेंडर की सब्सिडी, अरे डायरेक्ट खातों में आप देखिए कब तक आएगा। आपने राशन खत्म कर दिया, आप ये देखिए आपने राशन खत्म कर दिया आम जनता का। एक एक करके आप बोले, एक एक करके दर्शक। नीरू मैडम, मैं आपकी तरफ लौटूंगा,
सुन लेते हैं अपन पहले। विकास हम विकास ये मानते हैं। आपको आरोप का जवाब देने का समय दिया जाए। हम विकास उसको मानते हैं जब सबसे नीचे के आदमी का विकास हो। तो वही यहाँ पर छोटा व्यापारी आपको परेशान है। यहाँ नोटबंदी की वजह से छोटा व्यापार खत्म हो गया, उसके बाद GST आई। तब मैडम माफी चाहूंगा, मुझे बात रखने दीजिए, मैंने आपकी बात को सुना। आप उन्हें सुन लीजिए फिर हम आपको सुनेंगे। तो नीचे के आप देखिए GST, आप सिंगल टैक्स की बात कर रहे हैं, छोटा व्यापारी आप जाकर पता कीजिए। सुनील गोपाल साहब, एक सवाल ये आता है कि आखिर अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त में क्यों आ रही है? बिल्कुल 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 सही सवाल है। देखिए असल में आप देखिए कर्नाटक में ही देख लीजिए, कर्नाटक में क्या जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? देखिए सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं। देखिए जनता के मुद्दे तो गौण होते जा रहे हैं जी, बिल्कुल। जो चुनावी स्टंट है वो कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और जो इन स्टंट को प्रॉपरली कर पाता है, वो आगे बढ़ता है। यही कहना है कि इसको पूरी तरह से जनमत ना माना जाए। जनमत तब होता है जब जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ धर्म के विभाजन, यहाँ धर्म के विभाजन की बात कर रहे हैं, यहाँ जाति की बात कर रहे हैं। आप अगर पूरा चुनाव देख लीजिए तो दोनों दल एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहे, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी, कांग्रेस के पास विकास का कहने के लिए भाजपा से अलग कोई नीति नहीं है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस एक ही है। कांग्रेस की तमाम नीतियों को ही भाजपा आज पूरी तरह से लागू कर रही है और बेहतर तरीके से लागू कर रही है। इसीलिए जाहिर है राष्ट्रीय स्तर का जो बड़ा पूंजीपति है उसका वरदहस्त आज भाजपा को प्राप्त है, उसका पैसा भी प्राप्त है। हमने अभी पिछले समय देखा लगभग 650 करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का गोपाल साहब आपसे सवाल जी। जिस तरह से बालकांडे साहब ने अभी बोला कि सिद्धरमैया साहब को अगर पूरी जिम्मेदारी उधर दे दी गई जी, ये कांग्रेस को डैमेज करने का इसमें कहीं ना कहीं काम हुआ है। देखिए ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनजाने जैसे जो कांग्रेस करती आई है, कांग्रेस ने भाजपा का चारा निगल लिया। कांग्रेस अपने राज्य की उपलब्धियों को बहुत ठोस रूप से दिखा नहीं पाई। येदियुरप्पा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, रेड्डी बंधु जिनको भाजपा ने बहुत तवज्जो दी, बाकी बातें आप कितनी भी करते रहिए, 7 से ज्यादा सीटों पर रेड्डी बंधुओं का वर्चस्व रहा। भ्रष्टाचार को सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पाई। कांग्रेस ने भाजपा ने जिन मुद्दों को उछाला, कांग्रेस उन मुद्दों के पीछे भागती चली गई। और यूं कहिए एक तरह से जनता के मुद्दों पर ये चुनाव था ही नहीं जनता के, और ये चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच में आपसी छींटाकशी को लेकर लड़ा गया, मीडिया मैनेजमेंट से माना जा सकता है। इस बात को देखकर कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य इस तरह का बन चुका है। नीरू सिंह ज्ञानी मैडम, मैं आप बताऊंगी, ये कहने मीडिया मैनेजमेंट पे जीता गया, तो क्या 35,000 शेयर वोट जो है येदियुरप्पा जी ने जीते, ये जनता ने उनको आश्वासित करते हुए अभी हाल ही में आप देखिएगा 35,000 वोटों से जीते हैं येदियुरप्पा, तो क्या जनता ये सब देख नहीं रही? विकास चाहती है, और वो चाहती थी कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि केंद्र में जिस तरह से बाकी राज्यों में विकास हुआ है, कर्नाटक पिछले 5 साल में विकास में पिछड़ गया था। इसीलिए जनता ने जवाब देते हुए बहुमत में इतनी सारी सीटें आई हैं, और ये किसी को नकार नहीं सकते कि हम प्रत्यक्ष रूप से ये नजर आ रहा है। अच्छा, अगर कुछ इस तरह के समीकरण नीरू मैडम बनते हैं कि आपके नंबर्स कुछ आंकड़े से कम रह जाते हैं, तो क्या कुछ इस तरह का JDS या अन्य के साथ कुछ इस तरह का गठबंधन हो सकता है? देखिए ये जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और बाकी जो वरिष्ठ नेतृत्व है, इस पर जरूर इस पर विचार चल रहा होगा, मंथन चल रहा होगा। इसलिए बहुत जल्दी है ये कहना, जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। कर्नाटक का सेमीफाइनल जीत कर बालकांडे साहब, क्या मान लिया जाए मोदी ने 2019 की राह आसान कर ली है और आपके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं? देखिए सेमीफाइनल तो होगा नवंबर में, जब मध्य भारत के 3 राज्यों का इलेक्शन। सरकार आपसे छीनी है यहाँ पर? नहीं, सरकार अभी छीनी नहीं है भाई साहब, सरकार अब भी कांग्रेस की ही बनेगी, JDS के साथ में। अभी जैसे नतीजे देखे हैं तो मैं समझता हूँ संभावना उसकी ज़्यादा रहेंगी। मैं जो आप छीनने वाली बात कर रहे हैं, और अभी हमारी बहन जी ने भी उस बात को उठाया था, कांग्रेस इसका
उत्तर नवंबर में देगी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर। तो 2008 में भी दे रही थी, 13 में भी दे रही थी, इस बार क्या नया है, क्या कर रही? सिंधिया जी तो वही सीएम, कैंपेन कमेटी के चीफ हैं, चीफ मिनिस्टर, प्रोजेक्ट थोड़ी हो गए वो। सुनिए सुनिए, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो या ना हो, इसके पहले भी आपके चैनल पर बहस हुई थी, मैंने कहा था ये पहला अवसर हम देख रहे हैं कांग्रेस में कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं छो सातों, वो जिस प्रकार से अब की बार सब मिलकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार की, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, और उसका नतीजा अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर चार, वो चारों के चार कांग्रेस ने जीते। देखिए यहाँ पर आप अपनी मन से खुशी हो लें वो एक अलग बात है, पर सत्यता ये है, बालखंडे साहब सुन लीजिए, सत्यता ये है कि मात्र 2.5% आबादी पर आपका वर्चस्व बचा है, बाकी किस प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों करेंगे इनकार? ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? नहीं, चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद हुआ करते थे, ये भी आपको ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो एक क्रम है राजनीति का, देश की जनता जैसा चाहेगी वही तो सत्ता में रहेगा। राजनीति में वर्तमान में जो होता है वही माना जाता है, वर्तमान में आप कहाँ हो ये आपके लिए एक बड़ा सवाल। निश्चित रूप से सरवाइव कर रही कांग्रेस में दो राय नहीं है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वापसी करेंगे, इसी चैनल पर आप भी होंगे, मैं भी होंगे, आप हमारे सामने जो दोनों बैठे हैं वो भी होंगे, निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अच्छा, कर्नाटक में स्थानीय जो नेतृत्व था ये एक हार का बड़ा कारण, वहाँ की विफल रणनीति एक बड़ा कारण मानी जा सकती है। मैंने कहा ना आखिरी में जो रणनीति थी वो सामूहिक रूप से जिम्मेदारी के साथ अगर सब लड़ते मिलके तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता, जैसे उन लोगों को आपसी सामंजस्य के साथ इस इलेक्शन को लड़ना था, मुझे वो कमी नजर आई, मैं बता दूं आपको। राहुल गांधी के मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, उसका जवाब मुझे सही तौर पर नहीं दे पाए आप, नहीं दिया आपने, आपकी पार्टी की मजबूरी हो सकती है, मैं पुनः सवाल दोहराता हूं, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद तीसरी बार ये चुनाव आप हारे हैं, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए, खासतौर से राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की कमजोर रणनीति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए। एक चीज समझ लीजिए, केवल चुनाव हारने से ही नेता का आकलन हो, इस बात को मैं स्वीकार, किस बात से आप आकलन? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जब जिस जमाने में अटल जी बीजेपी के, चुनाव हारने से आकलन नहीं तो फिर किस बात से आकलन करेंगे? अभी मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सर्वाइव कर रही है उसमें राहुल गांधी के अलावा हमारी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेतृत्व को संभाल सके। हो सकता है, उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में भी कहा है कि मैं नया, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि मैं राजनीति में नया हूँ, मुझसे भूल हो सकती है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब ये कह देना इतने जल्दी की किसी दूसरे नेता को ले आओ और दूसरे नेता नहीं, हम क्या कह रहे हैं, तो आपकी पार्टी का आंतरिक फैसला आप कीजिए, इसको वो चले, हम तो समीक्षा कर रहे हैं, अभी ये साहब तीसरी आ रहे हैं और सवाल के रूप में आपसे पूछ रहे हैं। कह रहा हूं कांग्रेस अभी बुरे दौर से गुजर रही है, उससे हमें कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक लंबे समय से बुरे दौर से, ना सिर्फ बुरे दौर से गुजर रही है, लंबे समय से बुरे दौर, लंबा दौर कौन सा, यही इलेक्शन हुआ है जिसमें मोदी जी बैठे हुए 3.5 साल से, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश, प्रदेशों के चुनाव हुए हैं, प्रदेश के दो चुनाव, मध्य प्रदेश की बात कर लो, मध्य प्रदेश की कह रहा हूं आपसे, तीन तीन बार से आप लगातार विपक्ष में बैठ रहे हो, जो कर्नाटक का नतीजा है यही आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आ रहोगे आप, कौन जो भारतीय जनता पार्टी आज वहां पर है वो कांग्रेस की स्थिति होगी, और जो कांग्रेस की वहां स्थिति है वो ये भारतीय जनता पार्टी। सुनील गोपाल साहब, निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं मैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए कांग्रेस रणनीति के मामले में तो जाहिर है भाजपा से पिछड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस किसी भी प्रकार से, आज यूं कहिए जिस प्रकार से इतने सारे मुद्दे, मैंने जैसे आपको पहले बताया भाजपा की जितनी जनविरोधी नीतियां हैं इनमें से एक को भी कांग्रेस पर्दाफाश करके सामने नहीं ला पा रही, जाहिर है ला भी नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की ही तमाम नीतियों को और पूंजीपतियों के हित में जड़ तरीके से भाजपा ने जो है लागू किया है। तो इसीलिए कांग्रेस अभी, कांग्रेस की रणनीति आप देखिए, वो कहते हैं ना तू डाल डाल में पात पात, तो वही भाजपा जो मुद्दा कांग्रेस को उछाल कर दे देती है कांग्रेस उसी को संभालने में लगी रहती है, कांग्रेस जनता के कोई मुद्दे लेकर सामने नहीं आ पाती। मोदी जी हर रोज एक नए तरह का जुमला कांग्रेस को पकड़ा देते हैं
कांग्रेस उसी में जिसको हम जगलरी बोलते पर, हैं पर बिल्कुल ठीक बात है जी, पर गोपाल साहब ये एक बड़ा सवाल है कि कर्नाटका के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक उज्जवल भविष्य की संभावना अपनी नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं संभावना अब खत्म होती दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी और एंटी इनकम्बेंसी को परास्त करने के लिए जिस तरह की रणनीति की जरूरत होती है, जिस तरह के सांगठनिक क्षमता की जरूरत होती है, मैं कहूंगा इसमें कांग्रेस भाजपा से पिछड़ रही है। भाजपा इलेक्शन मैनिपुलेशन में कांग्रेस को परास्त कर रही है लगातार, इलेक्शन मैनेजमेंट में भाजपा कांग्रेस को पूरी तरह पीछे छोड़ रही है, जनता के मुद्दे तो लगभग पीछे छूट गए, अब ये जो नूरा कुश्ती है इसमें भाजपा कांग्रेस को परास्त करके भाजपा ने कर्नाटक को जीत लिया। बिल्कुल ठीक बात है। इसी बीच एक और खबर मिल रही है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन जेडीएस को दे दिया है जी, तो ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं, बालखंडे साहब क्या कहेंगे, आपने समर्थन दे दिया जेडीएस को, यानी आप सरकार बनाने की स्थिति में? नहीं, मैंने तो समीकरण बदले हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा, पहले निवेदन किया कि एक सरकार वहाँ कांग्रेस की ही बनेगी और तालमेल किस प्रकार से होता है, वहाँ हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से एक ब्रेक तो भाजपा को लगेगा। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया। दूसरा एक चीज और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने किस हद तक जाके चुनाव लड़ा है उस पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। नहीं, वो तो तमाम और पिछले स्टेटों में भी हमने 40 केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, 250 एमपीओ को उतारना, तो आप क्यों नहीं, आप भी पूरी कांग्रेस उतार दो। सुन तो लीजिए, 17-18 अरे वो सत्ता में तो उतारेंगे मंत्री, उनके आपके पास होते तो आप उतार दे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। वो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है, उनका प्लस पॉइंट था, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। देखिए साहब, वो तो आप भी करते। नहीं नहीं, वो दुरुपयोग है, उपयोग नहीं है, दुरुपयोग। आपकी अगर आपकी सरकार होती तो आपके मुख्यमंत्री या मंत्री वहां पर नहीं जाते प्रचार के लिए? नहीं नहीं, जाते ना, बस तो ठीक है। उन्माद करना दोनों में अंतर। चलिए मैं पहले सवाल कर लूं आपसे, फिर आप बताइएगा, कांग्रेस और जेडीएस मिलकर अब सरकार बना रहे हैं? ये तो अभी उन्होंने अभी जाके मिले हैं, प्रस्ताव जा रहे हैं, बना रहे हैं, ये तो अभी क्लियर होगा कि कौन बना रहा है सरकार, कौन नहीं, मिल रहे हैं आपस में, अभी तक रणनीति बन रही है दोनों के मिलके, तो स्वाभाविक सी बात है नंबर ज्यादा है तो सरकार बनाएंगे। अभी थोड़ा समय और दीजिए, अभी थोड़ा सा अभी आ जाने दीजिए रिजल्ट, फिर उसके बाद क्लियर होगा कि क्या कौन सरकार, क्योंकि बैकडोर एंट्री से कभी जो है सरकार बनती नहीं है, ना ही वो स्थिर रहती है। आप पहले अब ये तो आप अगर बोलेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि जो है बहुमत जो है सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है और जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया है, इसलिए समय थोड़ा सा दीजिए और इसमें पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं। बाकी मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे हमारे जो विपक्ष अभी बता रहे थे कि सभी जो नेताओं को वहां पर झोंक दिया गया था कर्नाटक के चुनाव में, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कैडर बेस्ड पार्टी रही है, इसमें ना कोई वरिष्ठ होता है ना कोई, सभी कार्यकर्ता के रूप में वहां पर एकजुट होकर चुनाव के, चाहे हमारे कोई विकास का मुद्दा हो चाहे नेताओं का मुद्दा हो, हम सब मिलकर चुनाव में अपनी पूरी भूमिका, अहम भूमिका निभाते हैं। और दूसरा, जैसे इस तरह से अभी वो बता रहे थे कि किस तरह से कर्नाटक में जो है इन्होंने जो है क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी रही इन्होंने कहा, और यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी, ये तो ख्याली पुलाव है कि यहाँ भी मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनेगी क्योंकि इधर एंटी इनकम्बेंसी का है। 14 साल से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार भारतीय जनता पार्टी और अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। सुनील गोपाल साहब, समीकरण चेंज हो रहे हैं, सरकार बदलती, यानी गेंद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में आती दिखाई दे रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीति है, कहीं ना कहीं राजनीति और क्रिकेट को एक ही तरह से देखा जा सकता है कि आखिरी ओवर पर कब कैसी बॉल आए और कौन सा रन बाउंस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरह से परिभाषित किया ये लगभग वही है, क्योंकि अभी पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में जिस तरह दिखाई दिया है कि बहुमत से ही अकेला सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं है, कौन कब कितने विधायकों को, जिसको हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, खरीद फरीद करके कौन कितने विधायकों को अपने पक्ष में लेकर सरकार बना ले, ये केवल हॉर्स ट्रेडिंग अब चलेगी, जोरों पर होगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ और हो सकता है फिर एक बार बीजेपी इसमें बिल्कुल 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 बीजेपी के पास आज बहुत पैसा है, बीजेपी को अभी हमने आंकड़े देखे
अभी मतलब पिछले वर्ष 650 करोड़ जो है वो उनको प्राप्त हुए, तो बहुत पैसा है विधायकों की खरीद के लिए। मुझे लगता है पैसा कम नहीं पड़ेगा। और फिर जाहिर है उनके पास कुछ आंकड़े उनके पास हैं भी। आरोप में पिछले विधानसभा में गोवा हो, चाहे आपका दूसरे उत्तर पूर्व के प्रदेश हो, उनकी स्थितियों के आधार पर ही कह रहा हूँ, वहाँ खरीद फरोख्त हुई है, ये सच्चाई है। चलिए एक सवाल और करूंगा आपसे सुनील जी, कि जिस तरह से बार बार कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी का एक नारा निकल कर आता है, अब जैसे तीन प्रदेशों में अब उस दिन पीपीपी मोदी साहब ने पीपीपी की भी बात की, तो क्या कांग्रेस वहीं जा रही है और बीजेपी अपने उद्देश्य में कामयाब हो रही है, ये माना जाए? देखिए पहली बात ये है, मुझे लगता है कांग्रेस के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं रही। एक समय में इस पार्टी के पास अपनी कुछ विचारधारा हुआ करती थी, अब भाजपा और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, फिर भी भाजपा कांग्रेस के मुकाबले आज ज्यादा सुगठित है और भाजपा जो है उसको वरदहस्त प्राप्त है भारतीय पूंजीपतियों का, बड़ी पूंजी का, तो इसके चलते आज जाहिर है भाजपा जहाँ मजबूत नजर आती है, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, भाजपा अगर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही है, मतलब बात केवल कांग्रेस से नहीं, अगर विपक्ष मुक्त भारत का नारा भाजपा दे रही है। देखिए मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस उनका सीधी फाइट उनकी कांग्रेस से है बीजेपी। अगर विपक्ष मुक्त भारत का नारा है भाजपा का, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये भारतीय जनता और भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन और कोई नहीं होगा। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये काला दिन होता है, ये हम इटली में जर्मनी में देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं यही कहना चाहूंगा, वहां के उदाहरण हमारे सामने। जी बिल्कुल, जनता उम्मीद ये रखे कि हाँ विपक्ष कभी भी कमजोर इतना ना हो कि सत्ता पक्ष अपनी पूरी मनमानी पर उतर आए, और जब सत्ता पक्ष मनमानी पर उतरता है तो हारने वाली कोई पार्टी नहीं होती, हारने वाला लोकतंत्र होता है और जनता होती है। जी बिल्कुल ठीक बात है। नीरू सिंह ज्ञानी मैडम, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद एक बहुत शॉर्ट कमेंट बालखंड साहब। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत लाया है, अमित शाह जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, क्यों जो लोग पर यहां तो आपकी पार्टी में ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, पूरी पार्टी के लोग आपकी पार्टी में आ जाते हैं। पूरी बात मेरी कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ये कहूंगी अगर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है क्योंकि वो विकास चाहती है, हमारे केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा से ही काम जो है जनता के बीच गए हैं, जनता के लिए किया है, इसीलिए हमारी बहुमत से सरकार भी बन रही है और कैडर बेस्ड पार्टी की वजह से ही हमारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव हो रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है। जिस तरह से भी सुनील जी कह रहे थे कि सिर्फ पूंजीवादियों की पार्टी बन गई है, क्या ये छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? क्या ये गरीब वर्ग का जो है कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? कैडर बेस्ड पार्टी में जो है छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के रूप में निकल कर आता है, तो ये क्या, ये तो आरोप बिल्कुल ही गलत है इनका। और मैं ये चाहूंगी ये तो जनता ने अडवाणी जी ये सब मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिए जाते, सभी हैं, सभी जो है वहां पर, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो वो मुख्यमंत्री भी बना है, राकेश सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो है सिर्फ राहुल गांधी विपक्ष की तरह, सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की ही बात होती है, इस तरह से तो बात होती नहीं है। अब वो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने कह दिया कि हाँ प्रियंका गांधी को बना, क्या इनके पास और कोई नेता नहीं है क्या कि बनाने के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी रिजल्ट सबके सामने है, कर्नाटका के रिजल्ट सबके सामने है, पिछली बार हमारी जो बढ़त हुई है इस बार वोट रिजल्ट्स की, वो सभी ने देखी है, क्योंकि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कांग्रेस बिल्कुल विलुप्त पार्टी हो जाएगी आने वाले समय में। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो 14 में जीत के आई थी, 282 सीटें थी उनकी, आज लोकसभा में शायद 271 सीटें रह गई हैं। हर लोकसभा के इलेक्शन, चाहे बाय इलेक्शन विधानसभा के, लगातार भाजपा लूज कर रही है। दूसरा, विपक्ष का जैसा भी हमारे भाई साहब ने कहा, मैं उनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अभी भारत इतना कमज़ोर नहीं है और राजनीति की इतनी जनता के बीच में परिपक्व हो गई है। दूसरा मैं बता, येद्योरप्पा जी की आई है,
येदियुरप्पा जी की आई है, वो मोदी जी की नहीं आई है। मोदी जी येदियुरप्पा बात है, अगर आ गई है मतलब भारतीय जनता पार्टी की आई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी की आई है, वो आई है, उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। आई है बहुत अच्छी बात है, अगर येदियुरप्पा जैसे कांग्रेस को करना पड़ेगा भ्रष्टाचार के आरोपी को रखकर अगर भाजपा तब भी जीत कर जा रही है। भाजपा में भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं है सर, भ्रष्टाचार की बात भाजपा में मत करो आप। आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आगामी जो 19 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होंगे, आपको स्पष्ट रूप से देश की जनता का जनादेश पता चल जाएगा। आज मोदी जी का 21 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी आगे है, उसमें पूरी नहीं नहीं पूरी आम जन की धारणा बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। चलिए आज बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बदल जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या होगा 2019 में अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा, पर फिलहाल तो कर्नाटक के अगर नतीजों पर नजर डालते हैं तो बिल्कुल कांटे की टक्कर बनी हुई है। सरकार कौन सा दल किसके गठबंधन के साथ बनाएगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।